पहले एक बार हम और दोहरा लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो आंतरिक प्रतिरोध मतलब होता है अंदर वाला प्रतिरोध, कि जैसे आप ये रिमोट देख रहे हैं तो रिमोट के अंदर में देखिए यहाँ पर जो बैटरी लगता है और ये रिमोट फिर चलने लगता है, तो इसके अंदर का जो प्रतिरोध है, बैटरी लगाएंगे तो धारा बहने लगेगी और धारा बहने लगेगी तो उसमें जो धारा के कारण जो रुकावट पैदा होगा, जो प्रतिरोध पैदा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। यानी बैटरी के अंदर का प्रतिरोध जो आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम छोटी आर से सूचित करते हैं। आप आंतरिक प्रतिरोध समझ गए भली भांति। अब चलते हैं समझते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल देखिए क्या होता है कि ये खुले बैटरी के लिए होता है। ये जो देखिए ये बैटरी खुला हुआ है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो इसका एक सिरा देखिए प्लस, एक सिरा माइनस, यानी किसी भी बैटरी में दो सिरे होते हैं। तो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है, दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है, उसी को हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। यानी कोई अगर खुला परिपथ में कोई बैटरी है तो दोनों बैटरी के बीच जो विभवांतर होता है, बैटरी के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। लेकिन इसी बैटरी को जब हम लगा देंगे, जब हम रिमोट में लगा देंगे, तो रिमोट में जब हमने लगा दिया तो इसमें परिपथ जुड़ चुका है, इस बैटरी में जो परिपथ जुड़ चुका है, तो ये बैटरी अब बंद परिपथ में चली गई। अब ये बैटरी बंद परिपथ में चली गई, अब जो बैटरी के बीच के दोनों जो सिरा है उनके बीच जो विभवांतर है, उसको हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टता। यानी किसी बंद परिपथ में जो बैटरी होती है उनके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता। तो इस तरह से आप समझ गए, टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। तो आप समझते हैं इन तीनों में संबंध क्या होता है। इन तीनों में संबंध होता है एप्सिलॉन बराबर, एप्सिलॉन बराबर जो होता है आई आर प्लस आई आर। इस तरह से ये संबंध होता है, ये जो संबंध होता है एप्सिलॉन बराबर आई आर प्लस आई आर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन देख रहे हैं आप, जो यहाँ पे एप्सिलॉन देख रहे हैं, ये जो है ये है, ये एप्सिलॉन है विद्युत वाहक बल, ये एप्सिलॉन क्या है, विद्युत वाहक बल। ये जो आप आई आर देख रहे हैं ये है टर्मिनल वोल्टता, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टता, यानी भी यह है विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ। विद्युत वाहक बल को ईएमएफ से भी सूचित करते हैं। इसमें जो आप आर देख रहे हैं, ये आर यही है आंतरिक प्रतिरोध, यही है आंतरिक प्रतिरोध, और आई है विद्युत धारा। यहाँ पर जो आप आई आर देख रहे हैं, क्योंकि वी बराबर क्या होता है आई आर, यानी आई आर जो प्रतिरोध विभव है वो क्या है, विभव, यानी आई आर जो टर्मिनल वोल्टता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में क्या संबंध है। तो एप्सिलॉन बराबर आई आर प्लस आई आर, तो जिसमें कि बड़ी आर और आई जो साथ में मिलकर टर्मिनल वोल्टता बनाता है। तो इस तरह से हमें एक सूत्र मिल जाता है एप्सिलॉन बराबर आई आर प्लस वी, एप्सिलॉन बराबर आई आर प्लस वी। और इस तरह से अगर वी का फार्मूला निकाला जाए तो वी का फार्मूला निकल जाएगा, ये जो साइड चेंज होगा इस तरफ चला जाएगा, तो ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एप्सिलॉन माइनस हो जाएगा आई आर। तो टर्मिनल वोल्टता बराबर हो जाता है एप्सिलॉन माइनस आई आर, और विद्युत वाहक बल यानी एप्सिलॉन बराबर हो जाता है आई आर प्लस वी। तो ये जो संबंध है और ये सूत्र भी आपको मिल गया, तो ये आप याद रख लीजिएगा, और याद रखना भी ज्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो एक फार्मूला आपको बस याद रखना है, या आप ये डायरेक्ट ये याद रखिए एप्सिलॉन बराबर आई आर प्लस वी, इससे भी आपको याद रह जाएगा। तो आसानी आसान है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई भी फिर भी शिकायत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपकी जो दुविधा दूर हो जाएगी।